उठे नहीं अभी तक आप? मैं कितनी बार ना। उठा के गई थी, मुझे लगा उठ गए होगे अभी तक। मैं चाय भी लेके आई हूँ, वो भी ठंडी हो जाएगी। मुंह गरम करके ले आना फिर सो के। सोने तो नींद आ रही है यार, थक तो गया हूँ फ्रेश हो जाना, यार। बाद में सो लेना। दोपहर में हाँ तो खाना नहीं खाना क्या? अभी टाइम क्या हुआ है 2 बज गए, जल्दी इतने जल्दी? अरे होते हैं हमारे उधर तो, खा लेते हैं 2 बजे। हाँ तो हाँ, थक और अभी गया तो हूँ चाय यार। पीनी है ना, फिर उसके बाद खाना मिलेगा। हाँ पता है मेरे को। यार इतना जल्दी सुबह कैसे हो गई? सुबह नहीं, दोपहर हो गई है। एक तो ना तुम्हारे घर वालों ने लेट कर दिया यार हमारा निकलना। सुबह साला 5 बजे घर पहुंचने में। तुम्हें क्या नींद नहीं आती क्या? सोने का मन नहीं कर रहा क्या? तो काम तो करना पड़ेगा, नीचे तो सो जाओ। मम्मी अकेले काम कर रही हैं। नहीं बहू हूँ तुम इस घर की, तुम्हें 1 साल तक कोई काम नहीं है ठीक है? तुम मेरे वो साथ तो मुझे रहो। पता है, मुझे बता भी नहीं रहे कोई काम। ये भी मैंने खुद बोला मैं लेके जाऊंगी। तो तुम मेरे चाय लेके आई हो, मेरे को उठा के गए, जबकि तुम्हें पता ही है उठेगा नहीं इतने जल्दी। 5 बजे सोया हूँ मैं सुबह, पता है ना? हाँ तो तभी बोल रही हूँ, अभी चाय पी लो, तो थोड़ी देर तक आप जागते रहोगे, फिर खाना खा के सो जाना। रात और आप क्या तक करोगे, सोते रहना, रात के टाइम उठाऊंगी फिर। क्या करोगे आप तब तक? क्या आप क्या करोगे फिर? मैं क्या करूंगी? मैं कुछ भी आप भी सो करूंगी, जाओगे यार? अभी तो नहीं आ रही मेरे को नींद। अच्छा ठीक है, बैठो इधर आओ, ऐसी पी लेता हूँ चाय। दो हेलो, पहले पानी की बोतल दो ना वहां से। हाँ ठीक है। क्या सो मच, शादी चल रही है क्या? क्या घर के पीछे शादी चल रही है क्या यार? सुबह सुबह मतलब दोपहर को यार, रात में कर लेते ये लोग। बोलो दो चाय, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये चाय दो। लो, ओए इधर आओ, वो रख दो उधर, जाओ 5 मिनट। हाथ क्या दिखाओ हुआ? अपना, हाथ दिखाओ, तुम्हें क्या हुआ? फीवर है? वो थोड़ा सा हो गया था सुबह के टाइम, थोड़ा सा हो गया था क्या? मतलब क्या है? थोड़ा सा ये रात को थर्मामीटर से चेक कोल्ड किया एंड वो था, सब था तो हो गया। थर्मामीटर से चेक किया था नहीं, यार। कल जब हम तुम्हारे घर आए थे और रात में निकले, तो मेरे को एक बात बताओ, तब तो तुम्हें फीवर नहीं था ना? नहीं कल नहीं था। तुम्हारा फेस थोड़ा उतरा उतरा सा लग तो रहा था, पर मुझे नहीं लगता कल फीवर था। था क्या? नहीं कल तो नहीं था। तो आज अचानक ये क्या हो गया? हो जाते हैं हम फीवर, ऐसे कैसे हो जाता है? हाँ कल सर्दी खांसी थी ना सिर्फ? यार तुम कब अपनी केयर करना सीखोगे? अब ये चाय वाय रखो, इधर बैठो पहले, आ जाओ बैठो। अगर आप अलाउ करो तो नेक पे हाथ लगा के देख लो कितना है, क्योंकि हाथ से नहीं समझता।
बहुत हॉट हो यार, आई मीन बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है यार। दवाई ली कोई, या दवाई लाई अपनी साथ में या रख दी घर पे? नहीं, कल मैं लेके आई थी वो खांसी की, और उसकी तो ठीक हो गई अभी, तो मेरे को लगा नहीं जरूरत। तो अभी तुमने सुबह से कोई मेडिसिन ली है? नहीं आज तो नहीं निकलते लिया टाइम ली अभी, थी ना आपने कुछ, वो खाना खाने के बाद? वो खांसी वाली ही थी। और अभी सुबह से कुछ नहीं लिया? तो खाना खाया था सुबह? लिया नहीं? नहीं वो खत्म हो गई ना, तो तुम्हें इतना जल्दी उठने की जरूरत क्या थी? चुपचाप से जाना पड़े नहीं रहते था, ना एक जगह पे, सोए रहते। जाना नहीं था। अरे यार, घर पहुंचने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। कार में तो सो गए थे ना, तो यहाँ पे भी आके सो जाते। तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसे अच्छा लगता है इंसान घर पे आए और सो जाए आके। अच्छा मानता हूँ तुम्हारी और मेरी न्यू न्यू शादी हुई है, तुम यहाँ की बहू हो अब, लेकिन तुम्हें मम्मी को कहना चाहिए था कि तुम्हें फीवर है, उन्हें पता है? नहीं, तो कहते कहीं के बेवकूफ इंसान, ऊपर से ना मन करत यार। ठीक है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं आता हूँ रेडी होके। हाँ जाओ इसके नीचे आप। लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? घर पे होगी कोई मेडिसिन, मैं वो ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। अभी अभी शादी हुई है, तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा मैं हॉस्पिटल भी नहीं लेके गया तो क्या कहेंगे मेरे बारे में? नहीं, इसके लिए क्या तो घर पे कहेंगे? होगी ना मेडिसिन, बुखार की वो ले तो लूंगी, हो फीवर की जाएगा तो ठीक। कोई भी दे दूंगा मैं, वैसी कोई बात नहीं है, फीवर कम हो जाएगा फिर चढ़ गया तो। हॉस्पिटल जिम्मेदारी हो चल यार जाएंगे, तुम अब मेरी, आई बात समझ? बुखार से कुछ नहीं होता है। नहीं सब पता है मेरे को कि न्यू न्यू शादी हुई है, करना तो पड़ेगा ना कुछ, नहीं तो और लोग नाम रखेंगे भाई। मुझे पता है मैं तुम्हें अच्छी सी मेडिसिन दे दूंगा जिससे तुम्हारी 2 दिन में सर्दी खांसी भी ठीक हो जाएगी, आई नो दैट। बट चलो हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार चेकअप करा लेते हैं, ये कह रहा हूँ मैं। हंसेंगे हम पे कि सिंपल सा कौन सादा से बुखार है और उसमें भी आ गए। डॉक्टर? नहीं हंसते, उनको पेमेंट मिलती है ना, उनके लिए अच्छा है। तो पेमेंट मिलेगी, बट दिमाग में तो वो सोचेंगे ना कितने बेवकूफ अच्छा ठीक है, इंसान तो चला मैं नहीं गया। जाना हॉस्पिटल। हाँ या नहीं बोलो, नहीं, शर्म आ रही है इसलिए? अरे इंजेक्शन देंगे वो। भगवान, यहाँ के डॉक्टर इंजेक्शन नहीं देते जब तक कि मांगे नहीं, ठीक है? हमें खुद नहीं मांगना फिर पड़ता है। मैंने नहीं जाना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे पास क्रोसिन की गोली है, उसमें सर्दी खांसी भी ठीक हो जाएगी तुम्हारी, मैं वो दे देता हूँ, फीवर भी कम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भी यहाँ पे सोना पड़ेगा, ठीक है? मैं नीचे जाके मम्मी को बोल देता हूँ, आपने खाना खा लिया है ना, मैं नीचे जाके मम्मा को बोल देता हूँ, आप सो जाओ, ठीक है? अरे नहीं, वो सोचेंगी कि खुद नहीं बोला उसको, अपने हस्बैंड को बोल दिया नीचे आके बोलने के लिए। मैं खुद बोल के आती हूँ। तुम भी कितना सोच रहे हो, मैं भी कितना सोच रहा हूँ, ये फॉर्मेलिटी जरूरी है। फॉर्मेलिटी नहीं होती है, बात होती है ना। मम्मी ने पट्टी पढ़ा के भेजा है क्या तुम्हें यहाँ पे? मेरी नहीं, नहीं तुम्हारी? इंसान नहीं, ऐसे नहीं है, पर फिर भी नहीं कहेंगे मतलब अभी एक दिन भी नहीं हुआ घर में आए हुए और अभी से शुरू हो गई। कि तबीयत खराब है और सो गई है ना? नहीं हस्बैंड को बोल रही है कि नीचे जाके बोल के आओ कि वो आराम करना चाहती है। अच्छा ठीक है, तो आप चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलके बोलते हैं, ठीक है? नहीं, मैं जाके बोलाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप जाके बोलो उन, यार देखो मेरी माँ ना बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो बोलेगी बेटा तो बता दी, बताने से अच्छा आप सीधा मेडिसिन लेके सो जाते, मैं समझ जाती, यही कहेगी वो, देख लेना, ठीक है? पर फिर भी बताना जरूरी है। तुम्हें तुम्हारी माँ ने पट्टी बढ़ा के भेजा है ना कि बिना सास से पूछे सोना भी नहीं है। बता नहीं सोना की वो बात नहीं है, पर फिर भी अब देना सोचो, मैं चाहिए था अगर ना। सो गई और नीचे से मेरे को आवाज पड़ी तो मेरे को सुनेगी नहीं, वो भी गलत होगा ना। हाँ कि बहू की इमेज पहले तो नहीं खराब, पहले तो हाँ 1 हफ्ते बाद आई है घर पे, है ना? तुम्हारी तबीयत अगर उधर ही खराब थी तो मेरे को बता देते ना, मैं 2-3 दिन लेट आता आपको लेने। मेरे को कल रात को नहीं था, मेरे को सुबह हुआ है फिर। तो मैं फोन तो किया था ना निकलने से पहले, कल ही, कि यार मैं निकल रहा हूँ अभी, तो कल किया था ना, कल मैं ठीक थी। तो तुम रात में गोली तो खा रहे थे फिर, निकलते निकलने से पहले खाना खाते टाइम?
वो मैं खाना खांसी खा की रहा थी था। ना कल रात को, कोल्ड और वो सब था, तो उस चीज की खाई है। हे भगवान, डॉक्टर को दिखाया था या बस ऐसे ही मेडिकल पे जाके लेके आ गए? तो कोल्ड की तो नॉर्मल भी मिल जाती है। अच्छा, होशियार हो तुम, है ना? और अगर ज्यादा बीमार हो गए तो यार मेरे लग जाएंगे यार, मेरे को बोलेंगे सब बीमार हो कुछ नहीं गए, बोलेंगे। बहुत एग्जर्शन हो गया ना इतने में, शादी, फिर शादी के बाद रस्में, रिसेप्शन, उसके बाद की रस्में, फिर आप घर गए, उधर भी रस्में हुई होगी शादी के बाद वाली, है ना? थक गए होंगे राइट, उस वजह से तबीयत खराब हुई। मुझे भी आज ऐसा लग रहा है, लाइक बॉडी पेन सा हल्का हल्का, पता है, और सिर में दर्द, रात भर सोया नहीं ना, ड्राइवर की आंखें लग रही थी तो बीच में मैंने चलाई, फिर उसने चलाई, उसमें थक गया यार, क्योंकि साइड में मैं बैठा था तुम्हारे, और फिर मुझे पता था कि आगे की सीट खाली है, वहां जाके बैठ जाता हूँ। अच्छा गया ना तुम सो के आ गए सीट पे। क्या हाँ जी, कुछ हुआ? नहीं हुआ। मुझे तो अभी भी नहीं जा रही है। चाय पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। चाय तो हो गई ठंडी, अब छोड़ो। मैं क्या कह रहा था, तुम भी मेरे बारे में सोच रहे होंगे ना कि क्या आदमी है यार, अभी अभी शादी हुई और इतना ज्यादा सो रहा है, ना काम धंधा कर रहा है ना कुछ। मेरे को अपनी सिचुएशन पता है ना, किस चीज से क्योंकि कितनी थकावट होती है। क्या तुम साथ थे क्योंकि तुम साथ थे ना, इसलिए तुम्हें पता है। हाँ वही। बोलो। और अरे बोलो चाय पी लो। क्या, मेरी माँ तुम्हारी मेडिसिन रहेगी ना, लेके आऊँ? हाँ क्या, चाय पी आपको लो भी पहले, नीचे ही आना है ठंडी साथ हो में जाएगी। मेरे, ठंडी हो चुकी है वो छोड़ो, मैं ऐसी पी लूंगा एक घूँट में। तो मैं भी नीचे चलना ही है ना, मम्मी को बताने, चलो फिर साथ में चलता है। नहीं अब दवाई ढूंढो, मैं नीचे तुमने जाके नहाया था बताऊंगी। आज? और सिर भी तुम नहा लिए थे ना घर पे आके, क्योंकि तुम तो कार में सो गए, तुम सुबह उठ के जल्दी नहा लिए थे ना, मैं सर्दी खांसी और तुम नहा लिए, मतलब इस वजह से तुम्हें फीवर चढ़ा है, पता है ऐसे जब सर्दी होती है ना नहाना तो जरूरी नहाना नहीं होता है होता, रोज। नहीं चाहिए ऐसे, बाल धोने की जरूरत नहीं थी ना, बाल भी धो लिए होंगे। बेवकूफ, मैं तो नहीं नहाने वाला आज, पूरा दिन बस सोने में जाएगा मेरा, पता है। खाना खा लेना फिर सो जाना। अकेले सुलाओगे मेरे को? मुझे पता नहीं अब सो सकते हैं साथ में या नहीं। मतलब तुम इस चीज का इंतजार कर रहे हो? ओके, नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ, मतलब वैसे पूछ रही हूँ मतलब। बता रही हूँ, पूछ नहीं रही। अच्छा क्या बता रहे हो? आपने बोला ना अकेले सुनाओगे, तो मैं उस चीज का पूछ रही थी कि क्या? हाँ मुझे नहीं पता अभी सो सकते हैं या नहीं। ओहो, मतलब तुम भी वेट कर रहे हो उस चीज का, आई नो दैट। ऐसा कोई मतलब नहीं था मेरा। वैसे रात को कार से उतर के मैं सीधा यहाँ के सो गया था, इसलिए मुझे पता नहीं कि आप किधर सोए, लेकिन मेरे ख्याल से आप नीचे ही सो गए थे ना। हाँ नीचे। आज रात से तो ऊपर ही सोना है मैं साथ में हमारे कमरे में, टेंशन मत लो। शर्मा क्यों रहे हो? मैं नहीं शर्मा रही, मैं वैसे तो सुन रही तुमने थी। एकदम से नीचे क्यों देख लिया? अब मैं तुम्हें इतने में ना वैसे जान चुका हूँ कि तुम शर्माते कैसे हो, तो मुझे पता है एकदम से नीचे देख लिया तुमने, मुझे पता है तुम्हें आदत नहीं है किसी के साथ सोने की, नहीं है ना सच्ची? नहीं, मैं अपने रूम में भी अकेली सोती हूँ।
इतना सीधा जवाब दे दिया यार, मुझे लगा उल्टा बोलेगी कुछ। तो मैं वैसे टाइप की लड़की दिखती हूँ मैं? हाँ आया था ना ये मन में, नहीं, खाओ मेरी कसम। हाँ सच में नहीं आया, क्यों, आया होता तो मैं पूछ लेती, घर ऐसा क्यों क्यों नहीं आया? में थोड़ी हो सकता है कोई। वाह, वैसे मैं क्या कह रहा था, चलो नीचे चलते हैं। तुम एक काम करना, मम्मी को सब बता दो तुम्हारी तबीयत से रिलेटेड। मैं तब तक की मेडिसिन निकाल लेता हूँ, ड्रॉअर में रखी थी तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा ड्रॉअर है मेडिसिन का, ताकि कभी भी तकलीफ होती तो उसमें से ले सकते हो, उसके अंदर सारी मेडिसिन है। ठीक है, बाल से लेके तो पैर के नाखून तक, हर चीज की। ठीक है, हंसे क्यों? इतनी बीमारियां नहीं होने वाली मेरे को। नहीं यार, अर्जेंसी में कभी काम आ जाती है। ठीक है, इसलिए ले नाखून ला को क्या के। होगा, कुछ नहीं होगा नाखून को। अच्छा यार कभी कभी चलते चलते ठोकर लग जाती है, नाखून पूरा निकल जाता है, ब्लड आता है, तो उसके लिए जो ऑइंटमेंट लगता है, जो कुछ लगता है, वो सब रखा है उधर। हाँ, तो वो डिटॉल लगा लो, उससे ठीक हो जाता है। तो वो डेटॉल भी तो है ना उसमें। ओके मतलब मेरे कहने का संदेश ही, उद्देश्य ये हाँ है कि वो ड्रॉअर हमारा मेडिसिनल ड्रॉअर है, उसके अंदर सारी मेडिसिन है, ताकि अगर कुछ भी लगता है आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या है। अब ये हमारा कमरा है, इधर अब तक की ये कबर्ड खाली पड़ा है, क्योंकि तुम्हारे कपड़े लगे नहीं है। वैसे तो मेरे पड़े रहते थे उधर, लेकिन अब मैंने हटा दिए, दूसरी साइड लगा दी, सोचा आपके भी रहेंगे ना उधर। ऐसे सब आपको बताना पड़ेगा ना कहाँ पे क्या है। ऐसे तो है नहीं कि आप डेली यही घूम रहे हो बचपन से मेरी तरह। आपको तो पहले दिन यहाँ पे जब आए थे घर देखने के लिए, तो आपको तो वो वॉशरूम भी नहीं पता था, वहां में मेरे को साथ आना पड़ता सिखाने के लिए। मम्मा भी अजीब मेरे को बोल रही है, जा दिखा दिखा रहे तो वॉशरूम। हंसो मत, तुम्हारे ठीक नहीं, है, आपको हर शर्म आ जगह रही थी डिफरेंट तब भी। डिफरेंट होती है ना। हाँ लेकिन तब भी आपको शर्म आ रही थी। मेरे को हाँ, याद तुम घर आती को है ना, लगा मुझे कि कब लड़कों याद को किया भेजोगे। वो भी जो दूल्हा होने वाला, उसको ही भेज रहे हो? अरे यार साइड में कोई लड़की थी नहीं ना तब, तो इसलिए मेरे को बोल दिया उन्होंने। वो खुद भी आ सकती थी, पर उनके हाथ में कप थे, तो मैंने आपको दिखा के टॉवल देके मैं निकल लिया था ना। वैसे मैं कहाँ रुका वहां पे। बाय द वे, सारी बातें छोड़ो, चलो नीचे, या यही बैठे रहना है मेरे साथ बात करते हुए। कार में तो एकदम चुपचाप थे। हाँ, तो कार में मेरे को नींद आ रही थी ना, मैं 3 बजे उठी हुई हूँ, यही पैकिंग और वो सब। मैं तो साला सुबह 9 बजे निकला था, पता है 4 घंटे में उधर पहुंच गया। फिर आपकी घर वालों ने टाइम पास कराया बहुत ज्यादा, सीरियसली खाना खिलाया फिर 10 बजे। मैं निकलने की सोच रहा था, पता है 9 बजे निकला, 4-5 घंटे में उधर पहुंचा। कितने बजे पहुंचा था मेरे को याद भी नहीं है। ठीक है, तो यार इंसान सोचता है 2 घंटे रुकेगा ज्यादा ज्यादा, फिर निकल लेगा। सीधा रात हो गई, रात का खाना खिला के भेजा है मेरे को। सुबह कभी, रात कभी। और फिर इधर सुबह 5 बज गए हमें आने में, दया यार। और छोड़ो ये सब, चलो नीचे। ठीक है, तो बाद में बातें तो करनी है हमें, आई मीन सिर्फ बातें नहीं, आई मीन टू से कि चलो नीचे जाके ना मम्मी को बता के आते। ठीक है, आपको दवाई ढूंढनी थी, मैं जाके बताया लूंगी। हाँ मतलब मैं दवाई ढूंढता हूँ, आप जाके ले आओ, और यहाँ पे आके रेस्ट करना है फिर। ठीक है, केयर ठीक है, ठीक कर लो अपनी, क्योंकि अभी मेरा उतना हक नहीं है ना, है क्या? है। ओके, क्या होता है हक? ओके मेरा हक है उतना? किस चीज का?
बहरी अंधी, चलो यहाँ से निकलो, चलो हाँ जाओ, फिर जाके मेडिसिन लेके आता हूँ। छोड़ो यार, उस टाइम भी हक का जवाब नहीं दिया, आज भी हक का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब मैं एक बेहक इंसान हूँ। ठीक है, चलो एक्सेप्टेड, कोई नहीं, कभी तो हक जता ही लेंगे। चलो हैशटैग हक से। हाँ शादी हो गई है तो ऑब्वियसली हक मिलेगा। पूरा, हाँ मेरी कसम। ओके यार, गूज बम्स आ गए, ये सुन के बता रही क्यों। देखो देखो देखो, हाथ की बाल करोगे। चलो 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 नीचे, ठीक है, पागलों वाली बातें कर। अबे मेरी चाय रह गई, ठंडी हो गई पूरी, हट। चलो ये नीचे लेके चलो, इसको गर्म कर देना, मतलब मम्मी से करा लूंगा, आप सो जाओ, ठीक है। हम्म